लेकिन आप लोग का दिल है सौरव बिहार मनीष कश्यप जो है यहाँ पे आने वाले हैं। सौरव बिहार मनीष कश्यप जहां भी जाते हैं रेलाई से पहचाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है इंजीनियरिंग फाइनल किया है और उनकी पढ़ाई उनकी स्टडी इतनी तगड़ा है। जहां पे भी खड़ा हो जाते हैं, जहां पे भी खड़ा हो जाते हैं, वहां के लोग हमेशा याद करते हैं कि हाँ यहाँ पे मनीष कश्यप आए। और हम उन्हीं को देखते हुए हम भी पत्रकारिता के लाइन में 2022 से काम कर रहे हैं और हम भी 10,000 रुपए का मोबाइल खरीद कर और ये 250 का स्टिक खरीद कर और 300 का माइक खरीद कर हमने भी ये स्टार्ट किया था। मनीष कश्यप का हमेशा अपने मोबाइलों में उनका भाषण सुनता था, उनका वीडियो देखता था और देखते देखते जो है हमारे अंदर एक ऐसा जज्बा पैदा हो गया। हमने सोचा उसी दिन उसी रात कि नहीं अब बदलना चाहिए। हम जहां भी जाते थे हमारा कोई वैल्यू नहीं, कोई महत्व नहीं रहता था, समाज में कोई हमें कोई पूछता ही नहीं था, हमारे सामने गलती होता था लेकिन हम कुछ नहीं बोल पाते थे। लेकिन वो आज वक्त और समय आ गया है सोशल मीडिया का क्रांति लाने वाले मनीष कश्यप जो सभी के दिलों में आप क्रांति ला दिए हैं। और बहुत सारे लोग बेरोजगार घूम रहे थे, बहुत सारे लोग ग्रेजुएट एमए बीए फाइनल करके बैठे हैं, कोई जॉब नहीं मिल रहा, लेकिन इसी सोशल मीडिया में आकर काम कर रहे हैं और अपना जो है जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन अपने बारे में हम बता दें कि हम हैंडीकैप हैं, हम दिव्यांग हैं और आप लोगों को दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, महसूस भी नहीं हुआ होगा, लेकिन हम 50% दिव्यांग हैं जिसके कारण हम चले हैं बिहार को बदलने। मनीष कश्यप को देखते हुए इस बिहार को बदलने में सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप लोग तो एकदम हट्टा कट्टा हैं, आप लोग के पास हर चीज है, तो आप लोग क्यों नहीं इसराइल में आ रहे हैं? आप लोग भी आइए, आप लोग का भी स्वागत है। और पुजारी मीडिया का भी हम स्पीच देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और अनिकेत रंजन का भी हम स्पीच देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत सारे लोग मिलकर इस सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कहा जाएगा कि गरीबों का आवाज उठा रहे हैं और इस बिहार को बदलने में अपना जीव जान लगा दिए हैं, तो क्या आप नहीं लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। और हम सोशल मीडिया पे जब से काम कर रहे हैं, हमारे सामने जब भी गलत होता है तो जैसे ही हम लोग कैमरा ऑफ करते हैं ना, तो पता है भ्रष्टाचारियों क्या कहता है, लोग जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं वो लोग क्या कहते हैं, कहते हैं कि भैया जी कैमरा बंद कर दीजिए, अच्छा चलिए साइड में थोड़ा मैनेज कर दिया जाए। अब बताइए कैमरा जैसे ही आप ऑन कीजिएगा वैसे ही भ्रष्टाचारी लोग कहेगा कि चलिए उधर मैनेज कर दीजिए। हाँ कुछ लोग हैं बिकने वाले इसमें के, लेकिन वो लोग समाज का मर्यादा जो है बहुत ज्यादा हद से पार करते हैं, अगला भविष्य नहीं देखते हैं, अगला जनरेशन नहीं देखते हैं कि हमारा समाज कैसे जाएगा। बताइए इतनी बड़ी इस बिहार की आबादी होते हुए भी ट्रेनों में भर भर के मजदूर दूसरे राज्य में कमाने जाते हैं, किस लिए जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि यहां पे इस राज्य में कल कारखाने फैक्ट्री नहीं है, जिसके कारण जो है दूसरे राज्य में जाना पड़ता है और दूसरे राज्य में जाते हैं तो उनके साथ अत्याचार होता है, वहां पे मारपीट होता है और वहीं आप खबर दिखाते हैं तो आपके ऊपर एनएसए लग जाता है। ये कहां तक सही है? देखिए इस चीज को। और सोशल मीडिया पे जितने भी लोग जो है जुड़े हुए हैं उन लोगों को सब साथ जो है स्वागत है, नमन है। और अपना लोग अपना जो है कार्य जो है ईमानदारी से निभाइए, आप ही जो है इस पद पे कुर्सी पे बैठेंगे कि आपके भी लोग देखेगा उस दिन जो है पगला नहीं कहेगा। बहुत सारे लोग मनीष कश्यप को पगला कहते थे, बहुत सारे लोग कहते थे, लेकिन उनके मुंह पर जो है ना तमाचा पड़ा। और मजदूरों के लिए हम लोग आवाज उठाने का कार्य करें और ईमानदारी से आवाज उठाए, ये नहीं कि 500,000 रुपए लेकर बिक जाए, नहीं ऐसा नहीं करना है, ईमानदारी पे अड़े रहना है और अच्छे अच्छे कार्य को दिखाना है और जो भ्रष्टाचारी इस समाज में लोग हैं उनके विरोध में वीडियो चलाना है ताकि